करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने वीडियो में लोडेड फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने चिकन ले लिया है जूलियन कट में, तकरीबन एक बाउल। एक छोटे साइज़ की प्याज ले लिया है, वो भी जूलियन कटिंग में। शिमला मिर्च ले लिए है, वो भी जूलियन कट में। 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, नमक 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, लहसुन 2 से 3 क्लोव्स चॉप कर लिए हैं मैंने। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें अपना लहसुन शामिल कर देंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, इसमें अब मैं अनियन शामिल। कुछ अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 सेकंड के लिए कुक करेंगे, उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। हमारा चिकन कुक हो चुका है, इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और वाइट सॉस प्रिपेयर करूँगी। अब हम अपनी वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने 1/2 कप मोज़रेला चीज़ ले ली है, 2 से 3 क्लोव्स लहसुन के ले लिए हैं, ग्रीन हरी मिर्ची और रेड हरी मिर्ची मैंने चॉप कर लिया है, 1 ग्लास दूध, 2 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून के आसपास मैंने बटर, अब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूंगी। साथ ही इसमें मैं मैदा डाल के भून लूंगी। वाइट सॉस हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है, इसको अब मैं उतार लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा मसाला शामिल कर लूँगी, जितना आपको अच्छा लगता है उतना आप डाल लें। चाट मसाला या टिक्का मसाला या फ्राइज़ का जो मसाला होता है वो डाल लें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब हम अपने लोडेड फ्राइज़ को सेट कर लेंगे। मैं फ्राइज़ डिश पर डालूँगी। अब मैं चिकन की लेयर लगाऊँगी। मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों क्रश करके डाल दी हैं। अब इस पर थोड़ी सी टमाटो केचप डालेंगे और जो सॉस हमने बनाई थी वो डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन मैंने ले लिया था वो डाल देंगे और ऑलिव्स मैंने लिए हैं, उससे मैं ऊपर सारा ऑलिव्स लगा दूँगी। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। हमारे लोडेड फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, बेक मैंने कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।